गाइस, इट्स शिवांगी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, सो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। एंड सो आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ 3D पेन ड्रॉ योर ड्रीम्स। सो मैं इसकी एक स्टोरी बताती हूँ जल्दी से। जब मैं कॉलेज में थी तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, 3D पेन हर जगह, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करी हुई है। तो ऑफकोर्स मेरा बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था टेक्नोलॉजी, क्या नई चीज़ें आ रही है, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आई वॉज ब्लोन अवे कि यार 3D पेन, बट उस टाइम पे आई रिमेंबर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे एंड आई डोंट थिंक सो ये उस टाइम पे इंडिया में अवेलेबल था। होगा भी तो ये अल्ट्रा एक्सपेंसिव था, जो कि मैं नहीं अफोर्ड कर पाती। बट द गुड पार्ट इज 6 से 7 साल बाद नाउ आई हैव रियलाइज कि ये बहुत ज़्यादा चीप हो चुका है। सो आई थॉट क्यों ना यार इसको ट्राई करते हैं, अपनी ड्रीम पूरी करते हैं कॉलेज टाइम की, तो यूज़ दिस पेन। तो मैं जल्दी से अनबॉक्सिंग करूँगी एंड लेट्स सी क्या मैं बना भी पाऊँगी 3D स्टफ या सिर्फ ऐसे ही। आई एम सो एक्साइटेड, वाओ दिस लुक्स प्रीटी गुड, बट इसमें कलर्स लिमिटेड हैं। दैट इज एक्चुअली सैड, आई थॉट कलर्स इसमें अच्छे खासे होंगे, मुझे कलर्स इतने अच्छे नहीं लगे। बट कोई ना, वी हैव आवर 3D पेन गाइस। यार आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये 3D पेन काफ़ी सिंपल सा होगा, बट इसमें ढेर सारे बटन्स हैं विच इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग। बट ठीक है, आई थिंक हमें ये मैनुअल पढ़नी पड़ेगी इसकी, हाउ टू यूज इट एंड स्टफ। थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट इन आवर प्रोडक्ट्स। फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ दिस इक्विपमेंट प्लीज रीड दिस मैनुअल केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट टू यूज। ओके सर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग केबल यहाँ से मैं इंसर्ट करती जाऊंगी एंड चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी, इन केस अगर मैं थक गई हूँ बना बना के तो दिस इज फॉर रेस्टिंग। आपको पता था इसके बारे में? नहीं सी, और आपने से काफी लोगों को नहीं पता होगा, जिनको अभी पता चल रहा है इस वीडियो के थ्रू प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय द वे मुझे 1100 का पड़ा, देयर वाज सम सेल इन अमेज़न। ओ बेटे कुछ तो हुआ गाइस, दिस इज वर्किंग। वाओ, माय टेक्निकली फर्स्ट क्रिएशन व्हिच लुक्स रियली शिटी, बट मैं दोबारा ट्राई करूंगी बिकॉज मैं हार नहीं मानती यार। क्या बकवास है यार ये, what the hell? मुझे नहीं पता था कि इतना difficult होगा। When I saw it, I was like, it's gonna be very easy. क्या करना है पेन को, बस घुमा घुमा के 3D बनाना है, बट इसे कंट्रोल करना definitely it's not that easy. I'll start it again, heat it again. This is crazy. ये येलो कलर और भी ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है। आई एम गोना कम्प्लीट दिस, लेट्स ट्राई कि मैं इसका एटलीस्ट एक रेक्टेंगल तो बना पाऊँ यार, क्योंकि ये प्लास्टिक लिटरली बहता जा रहा है लाइक एनीथिंग। एंड बाय द वे वी कैन नॉट टच दिस एरिया बिकॉज दिस इज वे टू हॉट। एनीवे मैं सिजर्स की हेल्प से इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उन्हें कट कर दूंगी एंड उसको वापस से मैं फिल करी हूँ जस्ट टू सी विल दैट वर्क और नॉट। एंड यस दैट वर्क्स गाइस, फाइनली कुछ तो सेंसिबल बनाया हमने इतनी देर में, फाइन। एंड अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इन टोटल 4 रेक्टेंगल्स बनाऊँ एंड उन्हें कंबाइन करके क्यूबॉइड बनाऊँ। सो कूल राइट, एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक गाइज, आई एम लाइकिंग इट। इतनी मशक्कत के बाद कुछ तो बना। आई एम नाउ थिंकिंग क्यों ना मैं फ्लावर्स बनाऊ, एज यूजुअल पता नहीं फ्लोरल पैटर्न से मुझे नेक्स्ट लेवल का प्यार है, सो आई थॉट अपने प्यार को यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे इसमें रैंडम पैटर्न की तरह ऐसा लग रहा है मैं मेहंदी का कोन चला रही हूँ, लिटरल सेंस। वैसे बाय द वे मुझे मेहंदी लगानी आती है, बट ये मेहंदी लगाने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ओ गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना टफ होगा। एनीवे अब ये ड्राई हो चुका है एंड अब मैं इसकी डंडी भी बनाऊंगी जिसके ऊपर ऐसे ही 3D इफेक्ट देगा। एंड वंस दैट इज डन मैं इन दोनों को आपस में अटैच कर दूंगी एंड बीच में ऑरेंज कलर का नन्ना सा गोला ऐड कर दूंगी। दिस इज लुकिंग सो क्यूट। ऑफ कोर्स ऐसे एकदम अमेजिंग सी फिनिश तो नहीं आई है, आई थिंक आ भी नहीं सकती है यार, इट इज सो डैम डिफिकल्ट, बट अगेन वी आर गोना ट्राई इट गाइस। यार मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये सच में अभी तक की टफेस्ट एंड ट्रिकीएस्ट वीडियो हो रही है बिकॉज आई एम लिटरली ट्राइंग टू गेट कंफर्टेबल बट इट इज सो डैम डिफिकल्ट क्योंकि ये कंट्रोल से बाहर है पेन। आई वाज इनिशियली थिंकिंग यार सब हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता है गाइस, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बिकॉज दिस इज नॉट इजी। एनीवे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ आपको अभी तक का प्रोसेस कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, डर गई हूँ मैं सच्ची। बट डेफिनेटली यार ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँगी, ये सिर्फ मेरी एक इच्छा थी। यहाँ पे भी मैं फ्लावर बना रही हूँ एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें लीव्स भी ऐड करूँ, सो यस इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग, लेट्स सी एंड में कैसा लगता है ये।
मैं वापस से येलो कलर का यूज करूंगी जिससे कि थोड़ा सा तो डिफरेंस क्रिएट हो। बट हाँ यार, आई विश इसमें थोड़े और कलर्स होते तो मतलब लिटरल सेंस में मजा ही आ जाता, जो कि अभी कहीं ना कहीं मैं मिस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ कलर्स। एंड यू गाइस नो हाउ मच आई लव कलर्स, बट इसमें कलर्स के ऑप्शन ही नहीं है, हद होती है। बट नो कंप्लेंट गाइज, आई गेस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। एंड यस, ये है मेरे दो फ्लास्क, कैसे लगे आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना यार मैं स्पेक्स बनाऊँ, आई मीन वो भी तो हम कुछ ट्राई कर ही सकते हैं ना, मतलब रैंडमली। एंड आई गेस इसे बनाना भी काफी ज्यादा आसान होगा, तो मैं इसका भी एक स्केच बना रही हूँ पेंसिल को यूज करके। एंड उसके बाद मैं कर दूंगी अपना ये 3D पेन का खेल शुरू। बाय द वे यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का यूज कर रही हूँ, ब्लैक कलर। एंड सच बता रही हूँ यार कि लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मेहंदी का कोन यूज करके कुछ बना रही हूँ। बट अगेन एज आई सेड, इसे यूज करना काफी ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि ये हाथ के कंट्रोल से बाहर है यार। आई थिंक वी नीड सम मोर प्रैक्टिस। बट मैं इसके सारे एलिमेंट्स को कंप्लीट करूंगी। भाई साहब कितना इरिटेटिंग है यार ये, देखा मैंने बोला था। बट एनीवे मैं इसके छोटे छोटे नन्ने नन्ने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यार स्पेक्स के, उनको कंप्लीट करूंगी एंड एंड में अटैच करूंगी बिकॉज करना पड़ेगा यार, ऐसे हार नहीं मान सकते हम। हो गया अपना स्पेक्स रेडी, हो गया। एनीवे गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीस की तरफ। सो अब मैं सोची क्यों ना हम बटरफ्लाई बनाएं। सबसे पहले मैं बटरफ्लाई का भी एक रफ स्केच बनाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड। इन केस ऑफ यू गाइस आर वंडरिंग यार ये क्या हो रहा है आज की वीडियो में, तो यार ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कोई मास्टरपीस नहीं बनने वाला। अगर आपको मास्टरपीस देखना है तो यार आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लो। आज की वीडियो में मैं खुद सीख रही हूँ, तो मैं आपको कैसे सिखाऊं आप ही बताओ। इस वीडियो की स्टार्टिंग से लेके अभी तक इतने फेलियर देखे हैं कि थोड़ा सा तो आइडिया हो गया है कि इसे यूज कैसे करना है। सो अभी आप देख सकते हो ऐसे गुचपुच नहीं हो रहा है, ये नॉर्मली बिहेव कर रहा है क्योंकि मैं तमीज से पकड़ पा रही हूँ अब इसे। सो आई एम श्योर मैं फ्यूचर में इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगी जिसमें मैं कुछ डेफिनेटली क्रेजी सा करने वाली हूँ, फाइनल आर्ट पीस बनाने वाली हूँ। इस वीडियो में दैट वॉज लिटरली इम्पॉसिबल, आई एम नॉट इवन किडिंग। बट हाँ अभी के लिए इस नॉर्मल सी बटरफ्लाई को कम्प्लीट करते हैं। लेट्स सी क्या ये नॉर्मल लगती है या थोड़ी नॉर्मल से बेटर लगती है। सो सारे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के बाद दिस इज व्हाट द फाइनल पीस लुक्स लाइक एंड आई थिंक आई लाइक इट। आई मीन मैंने जो स्टार्टिंग में बनाया था उससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। बट एनीवे गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ऐसी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस कैसी लगती है। मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। एंड यू नो इट राइट, आई लव यू गाइस, बाय बाय।